किसानों का एक ही तालुके में 30 करोड़ का नुकसान करना, 30 करोड़ का इनका पेमेंट रोक के इनको परेशान करना, ये एक मानों में किसानों के साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है। और ये सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, बल्कि बिदर में भी यही प्रॉब्लम है, यादगिरी में भी यही प्रॉब्लम है, आप आजू बाजू जितने सराउंडिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं में भी यही प्रॉब्लम है। 8 अगस्त से पहले पेमेंट अगर क्लियर नहीं होता है तो कर्नाटका किसान सभा, कर्नाटका प्रांत रईत संघ, शुगर केन ग्रोअर्स का कब बढ़ेगा एसोसिएशन गुलबर्गा डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करते हुए रास्ता रोको आंदोलन करे। आज का शुगर केन ग्रोअर्स एसोसिएशन के आज प्रेस मीट रहा गुलबर्गा में, कर्नाटका प्रांत रईत संघ जो है इसका प्रेस मीट हैंडल किया। ये शुगर केन ग्रोअर जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं, इनके जो प्रॉब्लम चले हैं, जो इश्यूज चले हैं शुगर फैक्ट्रीज को लेके, ये इश्यूज को लेके काफ़ी सारे इसके ऊपर कम्युनिकेशन हुए कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ हुए, और अभी पिछले हफ्ते जो है सीएम सिद्धरामैया साहब के साथ किसान सभा के लीडर्स का मीटिंग भी हुआ। जो ये इशू है शुगर केन का, जो गन्ने का FRP है, FRP का एक इशू है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है शुगर फैक्ट्रीज के तरफ से, वो इशू है, प्लस जो अफजलपुर में भीमा नदी का जो ब्रिज कम बैरेज बना है, जो उसके गेट्स का इशू है, ये 3 इशू लेकर काफ़ी सारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और CM के साथ भी मीटिंग हुआ, इसके सारे कम्युनिकेशन हो गए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेते हुए किसानों का मसला हल करने की तरफ गवर्नमेंट ने तैयार नहीं है। अभी देखिए एक सरसरी बात मैं इतनी बता दूँ, अफजलपुर तालुके में जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, जो KP शुगर है, रेणुका शुगर्स है, सिर्फ ये 2 शुगर फैक्ट्रीज का ही हिसाब देखें हम तो ये 30 करोड़ का ड्यू बाकी है किसानों को देना। आप इसके ऊपर अंदाज़ा लगाइए, और अलंद में जो शुगर फैक्ट्रीज और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा। जब सिर्फ 2 शुगर फैक्ट्रीज का अमाउंट जो है नियरली 30 करोड़ आ रहा है, तो किसानों का एक ही तालुके में 30 करोड़ का नुकसान करना, 30 करोड़ का इनका पेमेंट रोक के इनको परेशान करना, ये एक मानों में किसानों के साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है। ये हैरेसमेंट रोकने के लिए किसान सभा के लीडर्स बम शट्टी साहब, बिरादर साहब और हम लोगों ने CM से भी कम्युनिकेट किया, CM साहब से मीटिंग हुई, कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग हुई, लेकिन ये इशू अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं कर रहा है। और अभी तक ये बड़ी शर्म की बात है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 1 MLA ने गुलबर्गा के किसानों के, शुगर केन ग्रोअर्स के किसानों के लिए असेंबली में आवाज़ उठाई, और मैं वो MLA की तारीफ करूँगा, और उनका नाम है अलम प्रभु पाटिल, जो गुलबर्गा साउथ MLA। बड़ी अच्छी बात उन्होंने उठाई और बड़ा अच्छे से मसला उठाया गुलबर्गा के किसानों का, गुलबर्गा के शुगर केन ग्रोअर्स का, लेकिन दूसरे कोई कंसर्न MLA या मिनिस्टर्स हो, किसी ने भी किसानों के लिए या शुगर केन ग्रोअर्स के लिए कोई बात नहीं की। अब हम यहाँ से किसान सभा का आज ये डिमांड और ये ऐलान है कि अगर 8 तारीख से पहले किसानों का जो ड्यू बाकी है, अगर वो ड्यू क्लियर नहीं होगा, जो 30 करोड़ का ड्यू जो अफजलपुर एक ही तालुके का आ रहा है, अगर वो क्लियर नहीं होगा, और जो दूसरे तालुकों में जो शुगर फैक्ट्रीज जो ड्यू बाकी रखे हैं किसानों का, फिर रिन्यूमरेशन प्राइस जो गवर्नमेंट को डिसाइड करी है, जो कि वो भी बहुत कम है, जो जेन्यून उसका FRP होना चाहिए उससे बिलो है, उसके बावजूद भी शुगर फैक्ट्रीज का इतना बड़ा बड़ा ड्यू किसानों का रोकना, ये किसानों के साथ धोखाधड़ी, किसानों को तकलीफ देना, किसानों को हैरेसमेंट करना है। और ये सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, बल्कि बिदर में भी यही प्रॉब्लम है, यादगिरी में भी यही प्रॉब्लम है, आप आजू बाजू जितने सराउंडिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखिए सेम मसला, सेम प्रॉब्लम किसानों के साथ, शुगर केन ग्रोअर्स के साथ कंटिन्यूस जारी है। अगर ये मसला नहीं रुकता है, अगर 8 तारीख से पहले, 8 अगस्त से पहले पेमेंट अगर क्लियर नहीं होता है, तो कर्नाटका किसान सभा, कर्नाटका प्रांत रईत संघ, शुगर केन ग्रोअर्स का कब बढ़ेगा एसोसिएशन गुलबर्गा DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करते हुए रास्ता रोको आंदोलन करेगी।